अपने देश भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर विधानसभा के बुजाह प्रखंड अंतर्गत रामपुर जयपाल पंचायत के छोटे से गांव की रहने वाली संजीव बिहारी समाज सेवक की पुत्री कवियत्री भागलक्ष्मी कवि के क्षेत्र में कई मेडल प्राप्त कर चुकी हैं। अपनी कला से अपने क्षेत्र में वह जानी जाती हैं। वहीं जब हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कविता के क्षेत्र में मुझे पूर्वजों से प्रेरणा मिली है। मेरे पूर्वज लोगों के बीच कविता के माध्यम से अच्छे मैसेज दिए गए हैं। वही कविता के क्षेत्र में वह अपना नाम आगे बढ़ाना चाहती हैं। इस दौरान उन्होंने और कुछ क्या कहा है, देखिए पूरी रिपोर्ट। अब अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ भाग्यलक्ष्मी, मेरे पिताजी का नाम संजीव बिहारी, मैं क्लास 12वीं की छात्रा हूँ। आपसे जानना चाहते हैं हम कि आप कवि हैं, बहुत सारे अपने कलम से लिख करके लोगों को बताते हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? मेरे दादाजी कवि हरिश्चंद्र दास, वो कविता लिखते थे जी, तो मुझे भी इच्छा हुई तो मैंने अपने पापा से पूछा, पापा कविता का भी कोई पढ़ाई होता है क्या? बोले कविता कवि बहुत तरह के होते हैं, कोई आप बोले पढ़ाई होता है ऐसा भी होता है, लेकिन कवि जो होते हैं वो कहीं भी कविता लिख सकते हैं जी। तो मतलब कि पहाड़ों के कंदराओं में, बगीचों में, चलती हुई गाड़ियों को देखकर, हमारे आसपास के परिवेश को देखकर, सब कहीं भी हम कविता अपनी लिख सकते हैं। नहीं कि हम कविता की पढ़ाई करें फिर तभी लिखें जी। तो प्रेरणा मेरे पापा ने दिया और सीख मेरे दादाजी से मुझे मिली। इसका मतलब है कि आपके घर में इस तरह की वातावरण पहले से बनी हुई है? हाँ, वो मतलब कि अभी मुंबई में रहते हैं, लेकिन कभी आते थे तो हम उनको देखते थे, या कभी उनका मोबाइल पे वीडियो देखिए जी, ये सब देख के मुझे अच्छा लगता है। मैंने भी सोचा मैं भी कुछ ऐसा करूँ जी, जी, जी। उसी पर लेकर के आपने लिखना शुरू किया और लोग किस तरह की कविता को आप लिखते हैं, कभी किस तरह की? एक हास्य होता है जी, जी, उसको हम अपने कविता के रूप में पिरोते हैं, कविता के रूप में अपनी भावनाओं को रखते हैं। अच्छा, जैसे होता है कि जैसे कवि लोग होते हैं कि चलते फिरते, जैसे आपने बताया कि चलते फिरते ट्रेन चल रहा है, किसी भी प्रकार का कोई मौसम देख लिया उसके आधार पर, तो इस आधार पर भी आपने अपने लेखनी से लिख करके लिखती है। अब इस तरह से आपने अभी कहाँ कहाँ आपने अपना कार्यक्रम को रखा है, किया है लोगों के बीच में? मैंने पहले जब मैं 11 वर्ष की उम्र मेरी थी तब मैं पहली कविता अपने लिखी जी। उस समय मेरे विद्यालय में, राजकीय मध्य विद्यालय रापी रूपे, उसमें मतलब कि कविता लेखन में मैंने भाग लिया जी। और मैं वहाँ स्कूल से चयनित हुई, फिर मैं संकुल में गई, वहाँ भी मैंने कविता लिखा और वहाँ से भी मेरा चयन हो गया जी। उसके बाद मैं प्रखंड गई, प्रखंड में भी मैंने कविता लिखा और वहाँ भी मुझे मेडल मिले, और फिर मैं जिला में भी गई, जिला में भी मैंने कविता लिखा, वहाँ मुझे सेकेंड स्थान मतलब द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ जी। जी, तो इस तरह से आपने कई जगहों पर अपना कवि का मैंने वक्तव्य को रख करके और आपने मेडल हासिल किया है। इस पर आपने बोला कि पर्यावरण पर, नशा पर, तो हम चाहेंगे कि इस पर दो लाइन आप अपनी कविता के माध्यम से बात को रखें। नशा पे मेरी जो अपनी इच्छा क्या प्रकट कर रहे हैं सबके सामने, जी, वो जी, बता दें जी। मत करो तुम नशा, नहीं तो होगी तेरी दुर्दशा, मत करो तुम नशा, नहीं तो होगी तेरी दुर्दशा, नशा में है तेरी बर्बादी, नशा छोड़ो होगी आबादी जी। नशा पान करना जीवन में कभी नहीं है अच्छा, नशा पान करने वाला ना कहलाता है अच्छा, नशा पान जो करता है जीवन में कभी नहीं सुख पाता, घर परिवार गवा कर अपना तरफ तरफ मर जाता। पर्यावरण पर कुछ बताइए, पर्यावरण पर आपने कुछ लिखा है, उस चीज को बताइए कि पर्यावरण जी है। मैंने प्रदूषण पर भी लिखा है। जी बोलिए। बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाएं, प्रदूषण मुक्त संसार बनाएं, इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करके प्रदूषण प्रकृति से दूर भगाएं, रासायनिक उर्वरक न हाथ लगाएं, जैविक खादों से अन्न उपजाकर शुद्ध स्वादिष्ट का भोजन पकाएं, शरीर को हम स्वस्थ बनाएं। जी, और बताइए कुछ जो आपने लिखा है कुछ।
स्वच्छता अभियान पर भी मैंने जी जी बोलिए। जाग उठा है जो सभी में जी, जाग उठा है जो सभी में, बच्चे बूढ़े और जवान, आओ मिलकर सफल बनाए सभी स्वच्छता का अभियान, सभी स्वच्छता का अभियान। गांधी का अभियान अनूठा, गांधी का अभियान अनूठा, मोदी जी ने किया ऐलान जी, हमें बढ़ाना है हिल मिलकर, हमें बढ़ाना है हिल मिलकर, तभी होगा इसका कल्याण, तभी होगा इसका कल्याण। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने ये सब कविता लिखता है तो चलिए आपके घर के परिवार से आपको प्रेरणा मिली है, और इसमें आपके माता पिता भाई बहन का कितना सहयोग? जैसे कि मैंने कोई कविता लिखा जी, तो कविता में भी कुछ मिस्टेक मेरी भी होती है जी जी, लेकिन घर में मेरी बड़ी दीदी हैं, पापा हैं, पहले मैं कभी भी कविता कहीं प्रस्तुत करने से पहले अपने घर में सभी के समक्ष रखती हूँ। अगर उसमें कुछ गलतियां होती है तो मेरे दादाजी, मेरे पापा, मेरी दीदी में, तो सब ने मुझे बताते हैं सब अपने अपने क्या यहाँ इस जगह पे क्या होना चाहिए, मतलब कि लिखती हूँ मैं और थोड़ा मोड़ा उन लोग अपना सहयोग ले लेती हैं, मतलब कि आप पूरा कोऑपरेट करते हैं आपके परिवार के साथ। कभी भी मतलब कि लोगों के पास मेरा जो संदेश पहुँचे पूरा एकदम सही हो, मतलब अगर कुछ गलती है तो बता दिए, मतलब कभी कुछ गलत नहीं जाए सबके सामने। जैसे अभी होली का मौसम आया तो होली पर कुछ दो चार लाइन अगर आप तत्काल में कुछ लिख कर बोल सकती हैं? हाँ बोल सकते हैं। बोलिए। होली आई जी, रंगों की बौछारे लेकर जी, बच्चों की औजारे लेकर जी, रंग जमाती होली आई, धूम मचाती होली आई जी। आगे भी मैंने अभी आपने तैयार किया जी, इसको जी, अभी मतलब मैंने अभी हमसे आप बैठे हैं इसी पीरियड में आपने जी, अपने वक्तव्य से तुरंत इसको तैयार करके जी, किया जी। तो इस तरह का तैयारी आप करती रहती हैं, करते रहती है। क्या एम्बिशन है, क्या आपकी महत्वाकांक्षा है? मतलब कि डॉक्टर इंजीनियर तो सब बनते हैं जी, तो मैं भी कुछ करूं ऐसा, लेकिन कुछ अलग जी। मेरी भी कुछ अलग पहचान हो जी, सबका अपना अपना होता है, लेकिन मेरा भी कुछ अलग पहचान हो। डॉक्टर इंजीनियर तो सब बनते ही रहते हैं, लेकिन क्लास में भी मेरा कुछ अलग हो सब जगह, इसी के कारण मैं अपना कविता लिखती हूँ। और इसी के माध्यम से आप चाहती हैं कि मेरा एक अलग पहचान हो। अच्छा, जैसे आपकी कविता जो भी आप लिखती हैं तो इसमें ज़्यादातर आपकी आकृष्ट ध्यान वगैरह जो आप देती हैं इस पर, तो कौन सा टॉपिक पर ज़्यादा विशेष ध्यान देती हैं आप? अपने आस पड़ोस की जी, आस पड़ोस के मतलब कि माहौल, पर्यावरण जी, और अपनी भावनाएं जी, किसी के प्रति मेरी इच्छाएं जी, और मतलब हमारे देश में क्या हो रहा है उस सब पर भी। मैंने जनसंख्या पर भी अपनी कविता लिखी है जी, नशा मुक्ति अभियान पर भी अपनी कविता लिखी है, स्वच्छता अभियान पर भी अपनी कविता लिखी रची है जी। ये सब तो आप अपने कविता लिखती है, इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती थी, लोगों के बीच में क्या बताना चाहती है इस कविता के माध्यम से? मतलब कि लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ जी, कि हमारे समाज जागरूक हो जी, मतलब कि लोग यहाँ बहुत तरह के, जैसे मान लीजिए नशा है जी, तो नशा करके हमारे समाज में सब इधर उधर होते जा रहे हैं, हमारे समाज बिखरता जा रहा है। लोगों को मेरे कविताओं के माध्यम से संदेश पहुंचे कि हमें किस प्रकार रहना चाहिए, हमारे जो देश में हमारे नेता लोग या फिर हमारे मतलब कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो हमें संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं, वो उनको समझे, उनके बातों को समझे, ये सब। कुछ लाइनें अगर आप हैं तो बोलिए जरा सा। मैंने माँ पर कविता लिखा था जी, बोलिए। 2017 में जी, तो मुझे प्रखंड में जब मैं चयनी थी जी, तो मैं उससे दो लाइन बतने बताती हूँ जी, जी। मेरी माँ तेरी माँ, वह तो जग की माता है, माता से ही सारा मानव यह जीवन रे पाता है, यह जीवन रे पाता है। माँ की ममता तो इस जग में होती है सबसे अनमोल, कभी समंदर का भी पानी सकता नहीं इसे है तोल, दूध भरा इसके आंचल में, आंख में इसके पानी है, ममता की मूल।
माँ होती करुणा भरी कहानी है, ममता की मूरत माँ होती करुणा भरी कहानी है। माँ से ही तो जन्म लिया है पूरा का पूरा संसार, सबसे ऊंचा सबसे बढ़कर होता है जी माँ का प्यार, सबसे ऊंचा सबसे बढ़कर होता है जी माँ का प्यार। ये आप स्वयं लिखी हैं जी? मैं प्रखंड में जब 2017 में प्रखंड से जब चयनित हुई थी तब का कविता है, वो अभी भी प्रखंड में लटका हुआ है और मुझे मेडल भी मिला था। अच्छा, अभी जैसे बड़े बड़े कवि लोग हैं उनके साथ में कभी आपने बैठक की है? जरा दो चार का नाम बताइए, क्या क्या बैठक? कवि कहाँ 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 जी कहाँ कहाँ बैठक की थी? यहीं पे इसी हॉल में जी कवि सम्मेलन हुआ था जी जी। तो कवि सम्मेलन में बहुत सारे लोग कवि लोग आए हुए थे जी जी, तो उनके साथ में भी आपने पार्टिसिपेट किया जी। तो कुछ दो लाइन याद आया, कवि संजय पंकज जी जी उनके साथ मैं यहाँ, मतलब कि उस समय वो यहाँ प्रधान थे, मतलब कि कवि नीरज नैन जी, कवि श्री हरिश्चंद्र दास जी, कवि राजकुमार जी, उन सबके साथ मैं यहाँ बैठकर मैंने पार्टिसिपेट की है, बैठ के अपना कवि सम्मेलन में बैठी थी। लिख रही हैं तो क्या सोचती हैं, कहाँ तक जाने के प्रयास करती है, क्या इच्छा है आपकी? मेरी इच्छा है कि मैं भी आगे चलकर कवित्री भाग्यलक्ष्मी के नाम से, मतलब कि बिहार में देश में प्रसिद्ध हूँ। प्रसिद्ध हूँ जिस तरह से निराला जी हैं, हाँ। ये लोग हैं, कोकी कवि हैं, अभी पवन तिवारी आए थे थोड़े दिन पहले, कभी वो लेखक हैं, उनसे भी मुझे बहुत सारी प्रेरणा मिली और उनसे मेरी हमेशा बातें होती रहती है, हमेशा पूछते हैं कुछ नया कविता लिखी या कुछ कुछ भी। और कुछ कहना चाहती हैं जो आप सोचती हैं कि जो बोल नहीं पाती हैं, जो कह नहीं पाती हैं, अपनी समस्या को रख नहीं पाती हैं, आपके इसमें किसी प्रकार का सपोर्ट चाहिए, क्या कहना चाहेंगी आप इस लाइन में? आप किस तरह का सपोर्ट चाहती हैं, अपने माता पिता से या अपने सरकार से या अपने बिहार राज्य से कुछ सपोर्ट चाहती हैं? मैं अपनी कविता, मतलब कि कविता, मेरी इच्छा है मेरे भी कविता का एक बुक बने जी, जो सर्वों तक पहुंच सके। कविता तो मैं लिखती हूँ लेकिन ऐसे मीडिया के माध्यम से सब जगह जाते हैं, लेकिन मेरी कोई बुक हो जो सभी जगह जाए। तो क्या लगता है इसको आप बरकरार रखेंगी? जी जी, कविता से मेरी एक बुक बनी है जो सभी लोग, जैसे सब किसी भी ले कवि की बुक हम लोग पढ़ते हैं, इसी तरह मेरा भी बुक कोई पढ़े और सभी के पास मेरा संदेश पहुंचे। मैंने एक अच्छे मुकाम पर जाना, जैसे निराला जी लोग सब लोग थे अपना, हरिवंश बच्चन जी हैं, बच्चन उन लोग देते, उस तरह से आप भी चाहते हैं कि आपका भी फेम हो और कविता के माध्यम से हो, जो लोग आपको जाने। धन्यवाद।